ऐसे समय में जब नरेंद्र मोदी सरकार भारत को श्री अन्ना मिलेट्स की खेती और रिसर्च का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है, बैगा आदिवासी महिला लहरीबाई मिलेट्स के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष में मध्य प्रदेश की डिंडोरी जिले में इसकी वास्तविक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में उभरी है। मिलेट्स यानी मोटे अनाज को सुपर फूड भी कहा जाता है, क्योंकि ये पोषक तत्वों का खजाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने साल 2023 को इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर घोषित कर दिया है। इसकी पहल ओडिशा ने की थी। ओडिशा में मिलेट्स की अहमियत को देखते हुए मिलेट मिशन की शुरुआत की, ताकि मोटे अनाजों की विलुप्त होती प्रजातियों को संरक्षित की जा सके तथा लोग जागरूक हो सके कि ये गरीबों का अनाज नहीं बल्कि सामान्य अनाज के मुकाबले ये अधिक पौष्टिक अनाज है। ओडिशा के बाद अब मध्य प्रदेश के सिलपाड़ी गाँव की रहने वाली 27 वर्षीय लहरीबाई बैगा ने मिलेट के 20 से अधिक दुर्लभ बीजों को संरक्षित किया है। बता दें कि लहरीबाई बैगा आदिवासी समुदाय से आती है, जो विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों में गिना जाता है। लहरीबाई अपने माता पिता के साथ 2 कमरे के इंदिरा आवास में रहती है, जहां एक कमरा लिविंग रूम और किचन के रूप में है, वहीं दूसरे को बीज बैंक में बदल दिया गया है। लहरीबाई अपने इस बीज बैंक में कोदो, कुटकी, सनवा, मड़िया, सालहर और काग फसलों सहित कई बीजों को रखती है। लहरीबाई के बीज बैंक कुछ इस प्रकार है। कोदो में बड़ी कोदो, लदरी कोदो, छोटी कोदो, बहेरा कोदो, कुटकी में सफेद कुटकी, बड़ी डोंगर, लाल डोंगर, सिताही नागदमन, मदेली 4 कुटकी, छोटी कुटकी, बिरनी कुटकी, सावा में भालू, कुशवा छिदरी, मड़िया में लाल गोदपारी चावर, सलहार में बैगा एंठी काठा, काग में भूरसा, सफेद लाल कलकी, करिया कलकी, दलहनी में बैगा अरहर बिदरी, हिरवा सुतक और अन्य उनके संग्रह में शामिल है। बता दें कि इन मोटे अनाज में कैल्शियम, आयरन, जिंक, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम जैसे खनिजों का समृद्ध स्रोत होते हैं। इसमें आहार, फाइबर और विटामिन जैसे फॉलिक एसिड, विटामिन B6, बीटा कैरोटीन और नियासिन पर्याप्त मात्रा में होती है। इसमें उच्च मात्रा में लेसिथिन की उपलब्धता तंत्रिका तंत्र को मजबूत करने के लिए उपयोगी होती है। लहरीबाई इन बीजों को अपने खेत के एक हिस्से में बोती है। बहुगुणित बीज किस्मों को उनके गांव के साथ साथ अन्य 15-20 गांवों में किसानों को बिना किसी मूल्य के वितरित करती है। बदले में किसान अपनी उपज का एक छोटा सा हिस्सा लहरी को उपहार में देते हैं। इन सबके बीच एक खास बात यह भी है कि लहरी कभी स्कूल नहीं गई है और ना ही इन बीजों को संरक्षित करने के लिए किसी तरह की कोई पढ़ाई की है। अपने किशोरी समय में उन्होंने लोगों द्वारा किए गए उपहास और भेदभाव को भी झेला है। इसके बावजूद लहरी ने आज के दौर में ऐसा काम कर दिखाया है जिससे उनको नई पहचान और समाज में सम्मान मिल रहा है। डिंडोरी के जिला कलेक्टर विकास मिश्रा ने लहरी को जोधपुर स्थित ICAR की प्रतिष्ठित 10 लाख की छात्रवृत्ति के लिए नामित किया है। कलेक्टर कहते हैं कि अगर वह छात्रवृत्ति प्राप्त करने में सफल होती है तो वह PhD छात्रों का मार्गदर्शन कर सकती है। बता दें कि गणतंत्र दिवस के मौके पर विकास मिश्रा के साथ लहरीबाई बैगा ने मुख्य अतिथि के तौर पर ध्वजारोहण भी किया था, जो बैगा आदिवासियों में इससे पहले कभी किसी को यह अवसर नहीं मिली थी।